जिले में संचालित IIHTM हैंडलूम टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट के छात्रों को परोसे गए खाने में जहरीला जंतु नजर आया, जिसके शिकायत छात्रों ने प्रबंधन से की। थोड़ी देर बाद उनकी हालत बिगड़ने लगी, जिसके बाद 12 छात्रों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां अब सभी की हालत सामान्य है। छात्रों के मुताबिक खाने में छोटे सांप के आकार का जीव था, जिसकी वजह से उनकी तबीयत बिगड़ी। हम लोग के यहाँ हम लोग मेस चलाते हैं, तो हम लोग लंच के बाद आए तो फिर खाना खाया ना, तो फिर हमारा एक फाइनल ईयर के स्टूडेंट, उसको पता चला कि छोटा सा सांप है सब्जी में भाजी बना था, उसके बाद अपने मुंह से निकाला तो फिर हम लोग देखे तो एकदम छोटा सा था जो सांप था। फिर हम लोग को पता चला तो फिर हम लोग अपने टीचर को बताए, तो फिर हम लोग के टीचर यहाँ हम लोग 11 रूम एस टीचर। देखिए, हम लोग इंस्टीट्यूट में हॉस्टल में खाना बनता है 20-25 जने का। मैं दोपहर के टाइम खाने में सब्जी में पालक भाजी था, इस टाइप से उसमें कीड़ा आ गया था, छोटा कीड़ा आ गया था सांप जैसा। तो फिर उसको पता चला बाद में, खाना खाने के बाद, तो फिर उसको फेंकवा दिए खाना को। अब बाद में ना सिर विर वही दर्द कर रहा था, फिर सर लोग को बताया, सर लोग लेकर आ गए। 2:30 बजे के पास आसपास IIST के हॉस्टल से कुछ कुल 12 बच्चे आए हैं। फूड पॉइजनिंग का शिकायत, सिर दर्द हो रहा था, अभी उनकी हालत ठीक है। वो ये कह रहे हैं कि उनके खाने में उनको कुछ सांप का मिला है ऐसा करके। एक स्टूडेंट बता रहा है कि उसके मुंह में सांप का टुकड़ा आ गया था ऐसा करके, पर कोई बाकी बच्चे किसी के खाने में नहीं था। अभी नहीं, कोई अभी खतरे में नहीं, अभी सब ठीक है।